हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, अयो हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, अयो हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। अयो ये अखबार वालों को क्या हो गया जी, डेली डेली वही न्यूज छापता, आज क्या आया जी? यस यस मुरलीकरण मुत्तु स्वामी की बीबी किसी मवाली के साथ भागा, और वो भी दिन में। अयो कैसा कैसा लोग जी, अपना बीबी नहीं संभाल पाता। पर ये नाम मैंने कहीं सुना जी, यस यस मुरलीधरन मुत्तु स्वामी। अयो मुरलीधरन स्वामी तो मई जी, इसका मतलब मेरा बीवी भाग गया जी। अयो रामा अयो अप्पा अयो, अब हम क्या करेगा जी, हम तो लुट गया जी, हम तो बर्बाद हो गया जी, हम तो मर जाएगा जी। अयो रजनी सर ये तुमने क्या दिन दिखाया जी। अयो अब क्या होगा जी। अयो पर भागा किसके साथ जी? मुत्तु स्वामी की बीवी मुत्तु स्वामी के एक दोस्त के साथ भागा, और साथ में अपने 3 साल के बच्चे को भी ले गया। अयो सुब्रमण्यम तुम हमारी बीवी को लेकर भागा, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमने हमारा घर उजाड़ दिया, साथ में मेरे बच्चे को भी ले गया, अयो हम तुमको देख लेगा जी। पर मेरे को बच्चा कब हुआ जी? अयो हमको बच्चा भी है और हमको मालूम भी नहीं जी। पर एक मिनट जी, मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ जी, अयो तो भागा कौन जी? अयो रामा स्वामी मेरा बीवी शादी के पहले ही भाग गया जी। अयो अब हम क्या करेगा जी? अयो ये क्या हो गया जी? यस यस मुरलीकरण की बीवी ये दूसरी बार भागा। अयो मुरलीकरण? पर मैं तो मुरलीधरन, इसका मतलब मेरा कोई नहीं भागा। अयो रजनी सर तुम हमको बचा लिया जी, धन्यवाद जी धन्यवाद, हम तुमको 100 केला चढ़ाएगा जी। अयो तुम्हारे चक्कर में मैं आज मर जाता जी, वो भी किसी दूसरे के वाइफ के चक्कर में जी। अयो मैं अपने अप्पा को क्या बोलता जी? ये दूसरी खबर क्या है जी? एक गर्लफ्रेंड ने दी अपने बॉयफ्रेंड को जान से मारने की धमकी, दूसरे दिन गर्लफ्रेंड की लाश बरामद। बट कुछ कंफ्यूजन जी, धमकी तो गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मारने का दिया, पर मर खुद गर्लफ्रेंड गया जी। अयो ये क्या हो गया जी, क्या क्या न्यूज आ रही है आज जी, ये दुनिया में क्या हो रहा है जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अयो आओ जी आओ, हमारे ऊपर ही बैठ जाओ जी, सर पे ही बैठ जाओ। अयो तुम कैसा आदमी जी? मैं आदमी नहीं हूँ दादा। अयो तो तुम औरत जी, पर तुम शर्ट पैंट पहनकर क्यों आया जी? अयो क्या जमाना आ गया है जी, अब तो लेडीज भी जेंट्स के कपड़े पहनता। अयो रामा रामा। अरे दादा मजा मत लो, मैं रामू रामू। अरे बड़ी समस्या आई है इसलिए आया हूँ। अयो तो क्या तुम्हारा वाइफ भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात किया जी? नहीं मेरी वाइफ की समस्या नहीं है दादा, भैंस की समस्या है। अयो क्या जमाना आ गया है जी, अब तो भैंस भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाता। अरे वो भागी नहीं है दादा, मर गई है। मर गया? अयो तो क्या तुम्हारे भैंस ने भी अपने बॉयफ्रेंड को जान से मारने की धमकी दिया था क्या जी? अरे क्या दादा बार बार बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हो, भैंस का भी बॉयफ्रेंड होता है क्या? अयो होता जी होता, आज के टाइम में सबका बॉयफ्रेंड होता। अयो तुम हमको देख लो जी, हमारे कॉलेज में खुद 4 बॉयफ्रेंड है जी। आपका बॉयफ्रेंड? लेकिन आप तो लड़का है ना। अयो तो क्या तुम्हारा भैंस लड़का नहीं जी? क्या दिमाग खा रहे हो दादा, भैंस भी लड़का लड़की होती है क्या? अयो तो तुम बोलो ना जी, हम क्या करे, तुम किस लिए आया, तुम पहले वो तो बोलो। दादा जो मैं आपके यहाँ से भैंस लेके गया था ना, वो आज मर गई।
आइयो, पर अम्मा तुमको भैंस कब दिया जी? अरे दादा अभी कुछ दिन पहले ही तो लेके गया था, और आज वो मर गई। आइयो, तुम्हारा भैंस मर गया तो अम्मा क्या करे जी? हमने थोड़े तुम्हारे भैंस को मारा जी। अरे दादा अभी एक महीना भी नहीं हुआ था और वो मर गई, तो कुछ गारंटी वारंटी तो होगी ना? आइयो तुम कैसा पागल आदमी जी, तुम्हारा भैंस साया कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन था जो तुम उसका गारंटी पूछता। आइयो तुम कैसा आदमी जी? दादा मैं बता रहा हूँ, सीधे सीधे पैसे दो मेरे वापस, वरना बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा। आई आइयो तुम हमको डराता जी, हम तुमको काट काट के ऐसा मारेगा जी, तुम हमको समझता क्या जी है? डेयरी चलाने नहीं आती तो डेयरी क्यों खोल के रखे हो? डेयरी और मैं, आइयो मैंने कब डेयरी खोला जी? क्या ये सोहन लाल नलवाई की दुकान नहीं है? आई आइयो सोहन लाल, तुम हमको सोहन लाल बोला, वो भी हलवाई? हमारा अप्पा हमारा कितना सुंदर नाम रखा, सुब्रमण्यम स्वामी मुरलीधरन मुत्तु स्वामी, तुम हमको हलवाई बोलता? पर यहाँ तो डेयरी हुआ करती थी ना। आई आइयो डेयरी बगल में है जी, तुम हमको डेयरी वाला बोला, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। गाली थोड़ी दी है पर। आई आइयो तुम देखे तो देखो जी, हम तुमको मार मार के भैंसा नहीं बनाए, तो हमारा नाम भी यस यस है मुत्तु स्वामी नहीं जी, तुम भागो जी यहाँ से। पर आइयो मैं बोलता जी, तुम भागो जी यहाँ से, नहीं हम कूद के तुम्हारे फेस पे ऐसा लात मारेगा जी, तुम तीन दिन तक पानी नहीं मांगेगा जी। पर सुनिए तो, आइयो तुम अपने पैर को घर ले जाओ जी, हम तुमको छोड़ेगा नहीं जी, तुम भागो जी यहाँ से भागो। कैसा कैसा लोग आता है जी। वो मेरा बात कहां तक गया? स्वामी अन्ना होने वाला जी, बस ऑलमोस्ट हो गया जी, चिंता ना। अरे चिंता मैं नहीं तो और कौन करे जी, तुम कितने साल से मेरे को रोक के रखा कि तुम्हारी शादी कराता मैं, बट एक बार भी मेरा शादी नहीं हुआ जी। अब बस होने वाला जी, तुम टेंशन ना करो, पर एक काम तुमको करना पड़ेगा जी। अब वो क्या जी? वो ऐसा कि तुम्हारे होने वाली दुल्हन बोल, तो जब मैं तुमको उनसे मिलाने लाएगा तो तुमको छिपना पड़ेगा जी। आइयो तो फिर शादी कौन करेगा जी तुम? आइयो छिपना मतलब गुंगा तोड़ के छिपना जी, आइयो मैं बोल देता लड़का शर्मा। लेकिन गुंगट में तो दुल्हन बैठती है जी, तुम दूल्हे को बैठाओगे? ना ना जी ये नको करो। आइयो तो फिर शादी भूल जाओ। आइयो वेंकटेश तुम गुस्सा क्यों होता जी, मैं करेगा, तुम जैसा बोलेगा वैसा करेगा बस। ओके ओके तो कल सुबह तुम गुंगा तोड़ के बैठ रहना, मैं लड़की को तुमसे मिलाने लाएगा जी। ओके जी। आइयो रजनी सर संभाल लेना जी, ये मेरी 232वीं शादी का रिश्ता टूटने को जा रहा, आइयो मतलब होने को जा रहा है, तुम संभाल लेना जी, मैं तुम्हारा भैंस के दूध से अभिषेक करेगा जी। आइयो अभी नहीं, शादी के बाद करेगा जी, तुम काहे को बोलता है? ये तुम क्या किया जी, इसी के बहन का रिश्ता भेजना था क्या जी तुमको? सुबह तो हम इससे बदतमीजी कर दिया जी, ये कभी नहीं मानेगा। स्वामी अन्ना ये लड़की दिव्या जिनसे तुम्हारी शादी होना, हाँ ये इनके भाई रमेश जी। जी एक बार समझ नहीं आई कि घूंघट में क्यों, उनका कोई दिक्कत है क्या? नहीं जी, ये लड़का थोड़ा शर्माता इसलिए वो घूंघट तोड़ के बैठता जी। पर हमारे यहाँ तो लड़कियाँ घूंघट में बैठती है और वही शर्माती भी है, पर ये क्यों? अयो अब शर्माने का कॉपीराइट सिर्फ लड़की के पास क्या जी, और लड़के को शर्माने का अधिकार नहीं क्या? अब शादी फाइनल हो जाने दीजिए, और लड़का घूंघट दिखा देगा। नहीं नहीं बिना चेहरा देखे शादी में, पहले मुंह दिखाई फिर सगाई। अयो ठीक है जी, करेगा वो भी करेगा, पर पहले चाय तो पीजिए और जाइए दूल्हे राजा चाय लाइए। ये वेंकटेश इनको जाने दो घर, हम तुमको पिलाएगा चाय वो भी स्पेशल वाली। हाँ जल्दी लाइए क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी घर जाके पैसा गोबर भी उठाना है।
क्योंकि आप तो जानते ही मैं अपनी भैंस को कितना मानता हूँ। अयो पर सुबह तो तुम बोला था जी कि तुम्हारा भैंस मर गया था जी। ये तो वही है ये। क्या आप जानते हैं इसको? अरे जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अयो तुम सुबह की बात को भूल जाओ जी, अब कुछ नया बात करो जी। सुबह क्या बोला था? मुंह पे लात मारेगा। अयो शादी के लिए अयो की शादी, इसलिए घूंघट तोड़ के बैठा था ना। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं करो जी। चलो स्वामी अन्ना। अयो रुक जाइए जी। स्वामी अन्ना मेरा 232वां शादी भी टूटा। अयो राम। मेरे प्यारे लुटेरे साथियों, आज हम इतना पैसा लूट के जाएंगे कि कल को हमें चोरी चकारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हम लोगों को बता देंगे कि जिस आदमी के ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड का डिमांड होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। और दादा आपकी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, झूठ क्या बोल रहे हो? ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। माइंड योर बिजनेस एंड फोकस ऑन न्यू बिजनेस, अंडरस्टैंड? समझ गए। वो देखो गाड़ी आ रही है, चलो लग जाओ काम पे। चलो ये 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 काले चल गाड़ी साइड लगा। ए काला किसको बोला रे? मैं तुमको बोला कोई शक। दिक्कत कहाँ हो गई रे, इतना हल्ला क्यों हो रहा है? ए कौन हो जी तुम लोग, हमारी गाड़ी क्यों रुकवाई? हमें जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। क्या करोगे रे, मारोगे? देखो मेरा साथी बड़े गुस्से वाला, हमें जाने दो, नहीं तो तुम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। बस कौन है तेरा साथी? ये तेरा साथी, इसको देख के तो मैं डर गया। समझ नहीं आता क्या जी, हमको वैसे ही लेट हो रहा और तुम टाइम पास कर रहे जी। चुपचाप पैसे निकाल, पैसा चाहिए। आइयो तुम भीख सड़क पे खड़े हो के भीख मांगता जी, तुमको शर्म नहीं आता जी? ज्यादा नौटंकी नहीं, सर निकाल सीधे तरीके से। मैं एक रुपया नहीं देगा, तुमको जो करना है करके दिखाओ। तू बड़ी मोटी चमड़ी लगता है रे, किधर से आया रे? हम सीधे हैदराबाद से आया तुमको सबक सिखाने, तुम हमको समझता क्या जी है? अरे कौन है रे ये, दिमाग खा रहा है कब से? चलो बेटा निकलो तुम, नहीं हमारे दादा को गुस्सा भी आता है। अयो तो निकाल के दिखाओ जी, हम भी देखे तुम्हारा दादा कैसा गुस्सा करता। अब तुम हमको पैसे दो, तुमने हमारा टाइम बर्बाद किया जी, तुम हमको समझता क्या जी हैं? अरे चुपचाप निकाल, खून हो जाएगा। अयो तुम निकाल के तो दिखाओ जी, हम इसको छोड़ेगा नहीं। अयो नहीं जी, खून हो जाएगा समझे? अयो चुप जी। अयो हमको लड़की देखने जाना, ये रिश्ता भी कैंसिल हो जाएगा। इसको कौन लड़की देगा, शकल देखिए आईने में। ऐसे कैसे बोला? अयो जाने दो जी इन लोग को, नहीं तो रिश्ता भी यहाँ से जाएगा जी। चलो यहाँ से जल्दी चलो। दादा जाने दो, दूसरा मुर्गा फंसाएंगे, जाने दो इन्हें। अब देखो कल तुमने उन गुंडों के चक्कर में लेट करा दिया था, आज मैं कैसे करके इन्हें मनाया, आज ये रिश्ता फाइनल होना जी। अरे हम क्या करें जी, हम तो हर बार ही फाइनल ही करता, लेकिन लड़की वाले हमको फाइनल नहीं करते, तो हम क्या करें? अयो अब बात है कम काम ज्यादा जी, चलो जल्दी चलो। हमको माफ करना जी, आने में थोड़ा लेट हो गया। अयो वेंकटेश ये कौन सी जगह?
coming with the yard.